Assalamualaikum. This is Mehnaz and welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब? I hope सब अच्छे ही होंगे. आप सब अपना ध्यान रखिए और अपनी दुआ में मुझे याद रखिए. आज की वीडियो में होने वाली इफ्तार की तैयारी और कुछ रेसिपी भी शेयर कर लेंगे. और वैसे तो मेरा इफ्तार का मेनू जो होता है वो इस तरह का होता है, एक नॉनवेज डिश, एक वेज और भजिए, कुछ मीठा और शरबत. तो चलिए बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं. इस वक्त दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, यानी कि जोहर की नमाज और तिलावत कुरान हो चुका है और फिर किचन में आ गए हैं. सबसे पहले फ्रूट कस्टर्ड बनाई जाएगी. इसके लिए 1 लीटर ठंडे दूध में 4 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर और 9 से 10 टेबलस्पून शक्कर डाल रही हूँ. इसे इसी ठंडे दूध में पहले हम मिक्स कर लेंगे और फिर बाद में फ्लेम को ऑन कर लेंगे. कस्टर्ड को ठंडे दूध में ही मिक्स करना होता है ताकि कहीं गुठली ना रह जाए. अब फ्लेम को किया ऑन और चम्मच से कंटिन्यूसली हिलाते रहना होगा जब तक कि उबाल ना आए. एक अच्छा तड़कता भड़कता उबाल आ चुका है, इसलिए अब फ्लेम को कर देंगे बंद और इसे रूम टेम्परेचर के हिसाब से ठंडा होने देंगे. जब नॉर्मल हो जाएगा तब इसे हम रेफ्रिजरेटर में रख देंगे. इफ्तार के वक्त इसमें फ्रूट्स कट करके डालेंगे और सर्व कर लेंगे. अब यहाँ पे एक कुकर पैन में एक छोटा नींबू का टुकड़ा, नमक और छिले हुए आलू करीब 500 ग्राम हमने बॉईल करना है. बॉईल करने वाली चीज़ें पहले ही कर लेनी चाहिए ताकि सारे काम सेम डे इफ्तार के पहले ख़त्म हो जाए. इसलिए जो भी इफ्तार का मेनू हो उसे पहले ही प्री प्लान करना बहुत ज़रूरी है. 400 ग्राम बोनलेस चिकन को धो के एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया. अब इसमें हम 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ,1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक टेस्ट के हिसाब से और 2 टेबलस्पून चिकन टिक्का मसाला डाल रही हूँ. इसे अच्छी तरह से मिला लिया. अब इसमें एक अंडा तोड़ के डालूंगी और 1 टीस्पून सोया सॉस. इसे खूब अच्छी तरह से मिला लेने के बाद 30 मिनट के लिए रख दिया था. इसके बाद बनाऊंगी आलू पालक की टिक्की. एक घट्टी पालक को धोकर कट कर लिया. इसमें बॉईल किए हुए आलू को मैश करके डाल रही हूँ. अदरक और लहसुन को चॉप करके 1-1 टेबलस्पून और 4 से 5 हरी मिर्च को बारीक कट करके डाल रही हूँ. अब इसमें 1 कप ओट्स और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून अखा ज़ीरा और नमक टेस्ट के हिसाब से डाल रही हूँ, चॉप किया हुआ हरा धनिया. इसे खूब अच्छी तरह से मिला लेना है. मिला लेने के बाद इसकी मैंने टिक्कियाँ बना ली है. टिक्कियाँ आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, छोटी बड़ी पतली मोटी कोई भी शेप आप दे सकते हैं. तो मैं यहाँ पे इसे इस तरह का शेप दे रही हूँ. ओट्स, पालक और आलू, ये तीन चीज़ों के साथ और कुछ मसाले ये टिक्कियाँ बहुत ही अच्छी लगती है. इसके बाद 5 मीडियम साइज़ के प्याज को कट करके लिया है, 3 हरी मिर्च को बारीक कट करके डाली हूँ, 1 टीस्पून अखा ज़ीरा, 1/2 टीस्पून राई, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 चुटकी हल्दी का और नमक टेस्ट के हिसाब से और बेकिंग सोडा 1 चुटकी, चॉप किया हुआ हरा धनिया और 5 टेबलस्पून बेसन. इसे हम
इसी तरह से रखेंगे। एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल चिकन फ्राई करने के लिए और एक पैन में 3 टेबलस्पून ऑयल पालक आलू की टिक्की को फ्राई करने के लिए। चिकन के पीसेस को थोड़ा सा अलग अलग कर रही हूँ। अब इसे हम लीड से ढक के पकने देंगे। टिक्की को फ्राई होने के लिए कम से कम 2 से 3 मिनट लगेंगे और यहाँ पे हम चिकन को भी चेक कर रही हूँ कि ये भी हुए कि नहीं है। एक तरफ से होने पर इसे भी पलट रही हूँ। दूसरी तरफ होने के लिए फिर से लीड से हमने ढक दिया है। अब टिक्की को भी मैं पलट रही हूँ। टिक्कियाँ दोनों तरफ से फ्राई हो चुकी है, इसे अब निकाल रही हूँ। प्लेट में टिश्यू पेपर रखा है ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा या अब्जर्व हो जाएगा। इसे निकाल लेने के बाद जो बाकी का फ्राई करने का रह गया है उसे हम फ्राई कर लेंगे। चिकन को बीच बीच में ऊपर नीचे करती रही हूँ ताकि वो अच्छे से क्रिस्पी बन जाए। अब इसे मैं निकाल रही हूँ। इसी तरह अभी जो बाकी का चिकन है उसे भी हम फ्राई कर लेंगे। इसे भी थोड़ा सा अलग करते हुए इसे लीड से ढक देंगे ताकि वो अच्छे से पक जाए। ये भी टिक्कियाँ एक तरफ से हो गई हैं तो इसे मैं पलट रही हूँ और अब ये दूसरी तरफ से भी हो गया है तो इसे भी मैं निकाल लूँगी। फ्रूट कस्टर्ड के लिए कस्टर्ड रेडी है। आलू पालक की टिक्की भी बन चुकी है। चिकन ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है। अब हम भजिए बनाएंगे। तेल को हम अच्छे से गरम होने देंगे। चिकन को भी चेक कर लें। इसे थोड़ा सा क्रिस्प होना बाकी है तो हम लीड से फिर से ढक के पकने देंगे। तेल ऑलमोस्ट गरम हो चुका है। हम यहाँ पे बनाएंगे लच्छेदार भजिए। इसलिए बेसन को उसी वक्त प्याज में मिक्स करते हुए तेल में डालते जाएंगे। बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल की भजिए। ऑलमोस्ट चिकन क्रिस्प हो चुका है तो इसे मैं निकाल रही हूँ। भजिए को हमेशा स्लो फ्लेम पर ही फ्राई करना होता है ताकि वह अच्छे से अंदर तक पक जाए और क्रिस्पी हो जाए। आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल के भजिए लग रहे हैं, बहुत ही क्रिस्पी। ऐसे भजिए बनाने के लिए बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल ना करें, बस सूखा बेसन को ऑन द स्पॉट मिक्स करते हुए तेल में छोड़ते जाएं। चले अब इफ्तार के लिए दस्तरखान सजाएं। फ्राई किए हुए चिकन पीस को इस तरह बर्गर बन में अरेंज कर रही हूँ, यानी कि हम क्रिस्पी चिकन बर्गर बन बना रहे हैं। इस पर कटा हुआ गोभी यानी कि कैबेज और शिमला मिर्च के रिंग कट करके रखना है। अब इस पर थोड़ा सा ओरिगेनो स्प्रिंकल कर दिया और बन के दूसरे हिस्से को स्पाइसी मेयोनीज लगा लिया और सॉस भी लगा लिया। इस बर्गर बन में एक चीज की कमी है और वो क्या है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। कस्टर्ड में केला चीकू अंगूर अनानास काट करके ऑलरेडी डाल दिया है। मेरा दस्तरखान इफ्तार के लिए रेडी है। थोड़ी देर में अजान होने वाली है तो रोज़ा कबूल होने के लिए, अच्छी सेहत के लिए, घरों में और रोजी रोटी में बरकत के लिए खूब सारी दुआएं मांगनी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें और आप नए आए हो मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।